हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और बैंगन की सब्जी। इसमें हम डाल उसके लिए हमें कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल, और फिर हम साथ में अपनी जितनी भी ब्रिंजल्स हैं उन सबको अच्छी तरह से धो लेंगे। और उसके साथ हम इसको, हमने जैसे वीडियो में दिखाया है वैसे उसको बड़े बड़े पीसेस में हम इसको काट लेंगे। अब हमने ये काट लिया, अब हम एक जो हमने तेल गर्म किया उसमें हम इसको डाल देंगे और इसको हम 2-3 मिनट के लिए हिलाएंगे ताकि ये रोस्ट हो जाए। और फिर हम साथ में हम अपने आलू लेंगे, उसको अच्छे से धोकर उसको पील कर लेंगे और इसको हम बड़े बड़े ऐसे स्लाइसेस में इसको हम काट लेंगे। उसके बाद हमारे बैंगन रोस्ट हो चुके हैं, इसको हम सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने पोटैटोस और उन सबको हम सेम तरीके से इसको रोस्ट करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। अब हमारे पोटैटोस ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। साथ में हम एक कढ़ाई में डालेंगे तेल और उसको गर्म होने पर उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा और उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और उसको हम फिर मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इस पर डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, एक पतीला और एक हम ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़े से अदरक के पीसेस। और टमाटर को हम जिस तरह से काटते उस तरह आप काट के इसमें डालें, और दो हरी मिर्च इसमें हम डालेंगे काट कर और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे हमारे बैटर में और उसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे हम 2 चम्मच किचन किंग और उसके साथ हम डालेंगे 2 चम्मच गार्लिक मसाला, साथ में 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और 2 चम्मच हल्दी पाउडर और एक या अपने स्वाद अनुसार रेड चिली पाउडर और फिर थोड़ा सा अमचूर। और साथ में हम इसमें मिक्स कर लेंगे उसको और फिर हम इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे अपना नमक स्वाद अनुसार और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही और दही डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मिक्स हो जाए। और फिर इसमें हम अपने डालेंगे रोस्टेड आलू और हमने हमारे बैंगन बैंगन सब कुछ डालने के बाद हम इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी उसके बाद जो मसाले हम सब पे आ जाए उसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे गर्म। हमारी अभी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, धनिया पत्ती छिड़क देंगे फॉर गार्निश। आई होप यू विल रियली लाइक दिस रेसिपी मेकिंग, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़।